आधुनिक का डांस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ आज फेस पैक, जो अपना DIY है। तो इसमें क्या क्या ऐड किया है ये मैंने बना के रखा है, इसमें क्या क्या ऐड किया है बताती हूँ आपको। तो इसमें है चावल का आटा, और इसमें बेसन है, चावल का आटा है, और उसके साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। तो ये पाउडर मैंने बना के रखा है इस तरह से। तो इसमें से एक चम्मच ले लेती हूँ जब भी मुझे फेस पैक लगाना होता है। एक चम्मच ले लिया है मैंने इसमें से, है तो मैं टमाटर का जूस ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर दीजिए। अगर नहीं सूट होता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके बदले आप दही ऐड कर सकते हो अगर आपके घर में दही है तो। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है, और बस इसे अप्लाई करना है फेस पे। इससे टैनिंग बहुत जल्दी हट जाती है आपकी। अगर आप कोई DIY चाहते हो ना तो ये बना लो आप, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पैक तो अप्लाई हो गया है, अभी इसे ड्राई होने तक वेट करती हूँ और उसके बाद इसे रिमूव करती हूँ। इसका रिजल्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर ज़रूर ट्राई करके देखना। इसमें दही ऐड करना, मेरे घर पे दही नहीं था, दही से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब दही से क्या होता है कि आपके फेस पे ग्लो आता है बहुत ज़्यादा। और नींबू ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो नींबू स्किप भी कर सकते हो, जिनको नींबू सूट नहीं होता है वो। ये मिक्सचर आप एक भरनी में स्टोर करके भी रख सकते हो जैसे मैंने किया है। हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, जो मैंने यहाँ पर भिंडी निकाल के रखी है। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट की थी कि भिंडी की सब्जी आप कैसे बनाते हो, वो आप हमसे शेयर करो, क्योंकि हमारी जो भिंडी की सब्जी है वो चिपचिपी हो जाती है, चिपक जाती है और अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ भिंडी की सब्जी ही शेयर कर देती हूँ। और हाँ, सब कुछ हो गया है मेरा, क्या बोलते हैं, सुबह की क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद नहा लिया है, कपड़े वॉश कर लिए हैं, खुद के जो मेरे कपड़े हैं वो हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ मैं बहुत बार, तो वो हाथों से कपड़े धो लिए हैं। उसके बाद अभी बच्चे जब नहाएंगे और उसके बाद जो भी कपड़े निकलेंगे वो वॉशिंग मशीन में डालूंगी। तो जो मेरे कपड़े होते हैं वो मैं हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ बहुत बार। तो बस चलिए अभी जल्दी से खाना बनाती हूँ और अपने रूटीन में लग जाती हूँ। सबसे पहले गूंदना है मुझे आटा, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है परात। को कहाँ पे चढ़ा है, यहाँ पर चढ़ के, मतलब ये सीढ़ियाँ है उसकी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक स्टेप, फिर यहाँ पे ऐसे चढ़ के, फिर ये फिल्टर में से पानी लेता है। कहाँ से चढ़े हो आप? यहाँ से। अच्छा, यहाँ से धीरे धीरे दिया। हाँ अच्छा, ऐसे धीरे धीरे, फिर उतरते कैसे हो बता। अरे वाह वाह वाह, टीवी देखने के लिए, वाह 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 वाह, मुझे मांगते भी नहीं हो, है ना, गुड बॉय हो गए हो आप, अभी बड़े हो गए हो ना अभी आप,
चढ़ना भी आ रहा है आपको और अभी खुद से पानी भी लेना आ रहा है आपको, है ना माही? चलो दोनों भी अभी नहा लो जल्दी से। अद्वी को मैं थोड़ी देर में नहला देती हूँ, मेरा खाना बन जाए, ये आ जाएंगे ड्यूटी से, उससे पहले मेरा खाना बन जाना चाहिए। कितना गार्डन लग रहा है आज? क्यों अलग सा ही लग रहा है? अलग सा लग रहा है, अरे उसने नहाया नहीं ना, इसी वजह से अलग सा लग रहा है। चलो जल्दी से आप भी नहा लो और वो भी नहा लो। ये क्या? अब देखो से क्या रेड रेड हो जाता है। चलो चलो जाओ, थोड़ी देर के लिए आप कार्टून वगैरह देखो, क्या करना है करो, और उसके बाद मैं अद्विक। अच्छा माई दीदी देख रही है। किसी ने मुझे पूछा था कि आप तवा कौन सा यूज करते हो, तो मैं फ्यूचरा का तवा यूज करती हूँ। ये है मेरा तवा जो फ्यूचरा का है, फ्यूचर ब्रांड से है, हॉकिंस का जो फ्यूचरा ब्रांड है ना, उसी का तवा है ये। और हाँ, सबके लिंक आप मांगते हो हमेशा हमेशा, तो मैंने क्या किया है, सबका लिंक जो भी मैं यूज करती हूँ, वो अलग अलग लिंक तो मैं दे नहीं सकती, हर किसी को अलग सेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिफॉल्ट करके रखा है सारे लिंक्स जो भी मैं यूज करती हूँ। कभी आप तवे की लिंक मांगते हो, कभी आप मेरे फ्राई पैन की लिंक मांगते हो, कभी गैस की लिंक मांगते हो, कभी वॉशिंग मशीन की लिंक मांगते हो, कभी चॉपर की लिंक मांगते हो, तो ये सारी चीजों की लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दी है, आप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना। बार बार आपको मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि दी आपने ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, इसकी लिंक दो, उसकी लिंक दो, तो आप चेक कर लेना। सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करना है, उसके बाद जीरा और थोड़ी सी राई, बस ये चटकने के बाद, जैसे ही राई चटकने लगे उसके बाद आपको ऐड करना है प्याज,
कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज को आपको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। देखो अभी प्याज भून चुका है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, जितना आपको मिर्च पाउडर चाहिए उतना मिर्च पाउडर डाल दीजिए, जितना आपको तीखा चाहिए उतना। उसके बाद ये डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से चला लीजिए। और इसकी एक ही ट्रिक है ताकि ये जो भिंडी है वो चिपके ना, मतलब चिपचिपी ना बने, तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आप भिंडी डालो तो इसको तेज आंच में ही चलाना है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है। तेज आंच पे चलाओगे ना तो अच्छे से ये कुरकुरी भिंडी बन जाएगी, उसके बाद ये चिपकेगी नहीं। और बस इस तरह से आपको चला लेना है तेज आंच पे इसे, उसमें जितना आपको नमक चाहिए उतना ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर की भी सीटी हो गई है, साथ साथ राइस भी बन गया है। फूलने के बाद आपको फ्लेम मीडियम कर देनी है, नहीं तो जो मसाला है आपका वो जल जाएगा। ये भिंडी जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही होने देंगे, आप देख सकते हो फ्लेम कितनी है, इस फ्लेम पे ही हम ये इस भिंडी को होने देंगे। अभी अभी इसको चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है उसको, बस एक तरफ से हो जाए उसके बाद आपको चलाना है और उसके बाद दूसरी तरफ से भी हो जाएगी और आपकी भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। चाहो तो इसमें मूंगफली का चूरा भी डाल सकते हो, जैसे कि मूंगफली का पाउडर, भून के मूंगफली का जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हो ऊपर से, और या तो आप इसमें तिल का पाउडर भी डाल सकते हो, और अदरवाइज आप इसमें टमाटर डालना हो तो आप उसी टाइम जब प्याज डाला है उसी टाइम टमाटर भी ऐड कर सकते हो। सिंपल है इसे बनाना, कोई ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं है, ये बहुत सिंपल रेसिपी है। एक ही एक सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं तो इसी वजह से मैं हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये देखिए एक तरफ से हो गई, अभी दूसरी तरफ से पलटा लेना है, दूसरी तरफ से भी हो जाएगी। और भिंडी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, तो इसकी वजह से इसे ऐसे भी छोड़ दिया ना तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो भिंडी है वो इतनी सी हो, छोटी छोटी सी, वो भिंडी जल्दी पक जाती है। मैं कल ऊपर नहीं गई थी ना, तो ये इन्होंने यहाँ तक मायका लगा दिया है, ये ऊपर का मायका लग गया है, बॉर्डर लग गई है डार्क की, ये मैंने नहीं बताया है उन्हें कि ऐसे ऐसे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही उन्होंने लगवा के दिया है। और वो जो आपको दिख रहा है ना वो काटा हुआ, तो वहाँ पर ग्लास लगने वाला है, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे थे, उसी के लिए ऊपर आई थी मैं, वही मुझसे पूछ रहे थे कि ये कॉर्नर जो है ये राउंड रखना है या ऐसे ही रखना है स्क्वायर में, तो मैंने उनको बोला कि राउंड रखना है क्योंकि आने जाने में लग सकता है, तो इसी वजह से ऊपर से राउंड रखना है, मतलब बाहर बाहर से राउंड रखना है और अंदर से थोड़ा सा स्क्वायर में ही रखना है क्योंकि मैट्रेस जो है उसके कोने स्क्वायर में ही है, इसी वजह से अंदर से स्क्वायर में रखा है। और इस तरह से ये बेड मतलब चल रहा है, उनका बेड का काम चल रहा है और ये मायका लग गया है। ये ड्यूटी से आया है और बोल रही कि मुझे खाना नहीं खाना। देखो मैं इतने देर से खाना बनाने में लगी थी यार, मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में चला गया आज। और ये देखो भिंडी की सब्जी बन गई, राइस बन गया, और कल के अंडा करी भी बची थी वो भी है, दाल है, सब कुछ है। मैं अभी मट्ठा बनाने वाली थी, इनको बोला था कि ये क्या बोलते थे, दही लेके आना क्योंकि दही ख़त्म हो गया था, तो ये दही लेके तो आए। देखो यहाँ पर, अरे सैनिटाइज करना बाकी है इसे, एक मिनट का, तो ऐसे कभी कभी हैंड वॉश सैनिटाइज कर लेती हूँ मैं, एक मिनट, हैंड वॉश लगा देना है इसे, बस ऊपर से सैनिटाइज कर दिया। और मैंने सोचा कि अभी ये आ जाएंगे, उसके बाद मैं मट्ठा बनाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बट ये आते ही मुझे बोल रहे कि आप लोगों ने खाना खाया क्या, मैंने बोला आपके लिए वेट कर रहे थे, हम लोग कैसे खाएंगे आपके बिना, तो बोले कि मैं तो खा के आया हूँ उधर से बाहर से, बोले एक फ्रेंड ने ज़बरदस्ती फिश खिला दी। मैंने बोला चलो अच्छा है, अभी तो हमें ही खाना खाना है, मन भी नहीं कर रहा अभी खाना खाने का, ये हमारे साथ खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, वरना मन भी नहीं करता है खाना खाने का। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, अभी मट्ठा बनाती हूँ। Thank you.
गया है, सब कुछ हो गया है और इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ, यार क्या कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो मैं जो बेल आइकॉन आएगा उससे ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे ऑल पे जब क्लिक करोगे ना आप, उसके बाद मेरे वीडियोस की सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी, उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको पक्का पसंद आने वाला है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।